मुंसिपल भूमि में आज होने वाले ऑल इंडिया मेयर्स कॉन्फ्रेंस में सहभागी, इस देश के विकास कोष वंदनीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, इस प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी, यहाँ इस सत्र में उपस्थित इस राज्य के माननीय मंत्री जी आशुतोष जी टंडन जी, महापौर परिषद के अध्यक्ष नवीन जैन जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय हरदीप सिंह पुरी जी एवं इस सभागार में उपस्थित देश के सभी शहरों से महापौरों को मेरा सादर प्रणाम। मुरलीधर मोहोर महाराष्ट्र की सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक नगरी पुणे के महापौर के नाते यहाँ उपस्थित सभी महापौरों के प्रतिनिधि के रूप में इस मंच पर खड़ा हूँ। यह मेरा सौभाग्य है कि स्वच्छ भारत अभियान में पुणे शहर द्वारा किए कार्य और अनुभव को आप सबके सामने प्रस्तुत करने का स्वर्ण अवसर मुझे प्राप्त हुआ। हिंदवी स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के तेज और पराक्रम की भूमि है पुणे। सामाजिक सांस्कृतिक विरासत से परिपूर्ण पुणे शहर को मोस्ट लिवेबल सिटी ऑफ इंडिया इस पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। स्वच्छता की बात निकलते ही महात्मा गांधी, पुणे के सेनापति बापट और संत गाड़गे बाबा का हमें स्मरण होता है। पुणे के स्वच्छ मॉडल को आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। आज पुणे शहर में लगभग 15,000 स्वच्छता सेवक कार्यरत है, जो प्रतिदिन 13,00,000 घरों से कचरा उठाते हैं। इन सेवकों में 50% महिलाएं हैं। कचरा उठाने वाले को स्वच्छता दूत कहकर समाज में सम्मान देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए पुणे नगर निगम द्वारा प्रतिमाह एक स्वच्छता दूत को विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। हमारे स्वच्छता दूत प्रतिदिन 50 मीट्रिक टन सैनिटरी कचरा और 2 मीट्रिक टन थर्माकोल उठाते हैं, जिसका 100% रीयूज और रिसाइकल किया जाता है। पर्यावरण के माध्यम से अगर इसे देखा जाए तो पिछले 5 सालों में 23,00,000 पेड़ बचाए गए हैं, 8,00,000 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड हवा में फैलने से रोकी गई है। हम सभी ने यह अनुभव किया है कि स्वच्छता के प्राचीन संस्कार को आदरणीय मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से देशवासियों के मन में पुनर्स्थापित किया है, जो पूरे देश में एक जन आंदोलन बन चुका है। उसी से प्रेरणा लेकर पुणे ने स्वच्छ सर्वेक्षण में अच्छी प्रगति की है। स्वच्छ सर्वेक्षण प्रतियोगिता में 2019 में हम 37वें स्थान पर थे, लेकिन आज 2021 में जनसंख्या और भौगोलिक क्षेत्र बढ़ने के बावजूद हम 5वां स्थान प्राप्त करने में सफल हुए हैं। इसी साल सेल्फ सस्टेनेबल बिग सिटी में सर्वोत्तम और गार्बेज फ्री सिटी में भी हमने 3-स्टार रेटिंग भी पाई है। इस सभी कार्य में हमारे स्वच्छता दूत से लेकर प्रशासन के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का विशेष स्वरूप से योगदान है। आदरणीय मोदी जी, तमिलनाडु के समुद्र तट पर प्लास्टिक उठाती हुई आपकी छवि से हम सभी ने प्रेरणा ली। उसी वर्ष पुणे में हमने देश में सबसे पहली बार प्लैगाथॉन का आयोजन किया था, जिसे इस साल भी दोहराया गया। इसमें 1.5 लाख नागरिकों ने शामिल होकर 80,000 किलो कचरा जमा किया। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में पुणे की पहचान बनेगी प्लैगाथॉन।
अभी यहाँ पे भी लिखा है, हमने सबने पढ़ा है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यही मंत्र लेकर पुणे वासी इस आंदोलन से अब जुड़ चुका है। हर एक पुणावासी इस आंदोलन से अब जुड़ चुका है। कचरे से मुक्ति की मुहिम, विश्व टॉयलेट डे, सांस्कृतिक स्थानों की स्वच्छता, सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति, ऐसे कार्यक्रमों में पुणे वासियों ने बड़े उत्साह से भाग लिया। एक कदम आप चलते हुए स्वच्छता के लिए पुणे में अब उच्चतम आधुनिक तकनीकी का भी उपयोग किया जा रहा है, जैसे वेस्ट सक्शन मशीन, मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन, रिसाइकलर और रोबोटिक मैनुअल मशीन इसमें सम्मिलित है। पुणे में प्रतिदिन 2200 मीट्रिक टन कचरा निर्माण होता है, जिसमें से 1 किलो भी कचरा आज की तारीख में डंप नहीं होता। हम 100% कचरे पे आज प्रक्रिया कर रहे हैं, यही हमारी विशेष उपलब्धि है। इसके साथ ही पिछले कई सालों से डंप किए गए 9 लाख मीट्रिक टन कचरे को भी हमने बायोमाइनिंग द्वारा अभी नष्ट किया है। उसी तरह अब कचरे से 1500 मीट्रिक टन बायो सीएनजी ईंधन का उत्पादन हम कर चुके हैं। शहर की हवा स्वच्छ और साफ रहे, इसके लिए हमने ठोस कदम उठाए हैं, जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट की 1000 नई बसें अब इलेक्ट्रिक और सीएनजी से चलती है। ये संख्या अगले 3 महीने में 1500 तक जाने वाली है। देश का पहला ई बस डेपो बनाने का बहुमान भी पुणे ने अभी प्राप्त किया है। शहर में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए ईवी सेल का निर्माण और ई बाइक शेयरिंग का प्रोजेक्ट भी हम अभी शुरू कर रहे हैं। हमने की संस्था ब्लूमबर्ग में 2021 में ग्लोबल मेयर चैलेंज प्रतियोगिता का आयोजन किया है, जिसमें विश्व के 99 देशों से 613 शहरों ने भाग लिया है, और उसमें से टॉप यानी कि 50 पहले शहरों में अब पुणे शहर का चयन हो चुका है, और अंतिम शीर्ष 15 शहरों का चयन बाकी है। हमें विश्वास है कि जो काम हम ईवी के इस माध्यम से कर रहे हैं, हमें विश्वास है कि विश्व में अंतिम 15 शहरों में भी हम अपना स्थान सुनिश्चित करेंगे। हम कहते हैं कि जल है तो कल है, महात्मा गांधी कहते थे अपनी सभ्यता को जिंदा रखना हो तो अपनी नदियों को साफ और स्वच्छ रखें। पुणे की 44 किलोमीटर लंबी मूला और मुठा नदियों को नमामि गंगे परियोजना में शामिल करने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। उन्हीं के पदचिन्हों पर चलकर पुणे ने इसलिए नदी सुधार और नदी पुनर्जीवन ये परियोजना के माध्यम से 5000 करोड़ रुपए के काम अभी हमने शुरू भी किए हैं। पुणे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए कचरे की प्रक्रिया की क्षमता बढ़ाना, कचरे से बिजली उत्पादन की क्षमता बढ़ाना स्थापित करना और वाटर प्लस प्रमाणीकरण प्राप्त करना, ये लक्ष्य रखे है कि अभी जल्दी ही हमारा ये मेट्रो का लोकार्पण होने वाला है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से अगर होता है, तो उन्होंने इसका शिलान्यास भी किया था, तो उनके हाथों से अगर होता है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होगी। प्रधानमंत्री जी स्वच्छता अभियान में अब हमारे सबके पथदर्शक है। देश के सभी महापौरों की ओर से मुझे यह प्रतिनिधि स्वरूप में अपनी बात रखने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ।